इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा मकसद किसी कंपनी या समुदाय की आलोचना करना नहीं। हम चाहते हैं कि शो के माध्यम से निवेशक और ज्यादा जागरूक हों, आम जनता को बिजनेस के नए तरीकों की जानकारी मिले, प्रोग्राम के माध्यम से बिजनेस के प्रति सकारात्मक सोच एक बार फिर से जगे, कारोबार के नए तरीकों के बारे में हम एक्सपर्ट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस KG-D6 बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन के डी ब्लॉक में तेल कुओं की खुदाई कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में शुमार करती है जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और शेल गैस के कारोबार में है। अभी हाल ही में रिलायंस ने ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी BP के साथ कारोबारी करार किया है, जिसके बाद दोनों कंपनियां मिलकर KG बेसिन में ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच अकाउंट्स के ऑडिट और PSC यानी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुआ विवाद अब जग जाहिर है। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने KG-D6 बेसिन में 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का तेल भंडार खोजा। 7 साल के भीतर KG-D6 बेसिन में ऑयल प्रोडक्शन बढ़कर 61 MMCMG हो गया, लेकिन 2009 के अंत तक ऑयल प्रोडक्शन घटकर 16 MMCMG तक जा पहुंचा। दरअसल दिक्कत यहीं से शुरू हुई। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑयल प्रोडक्शन घटने के लिए फटकार लगाई। सरकार ने रिलायंस से अपने खातों का ऑडिट कराने के आदेश दिए। सरकार ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम नहीं कर रही है। ऑयल एक्सप्लोरेशन पर जो भी खर्च आ रहा है उस पर सरकार का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों ऑयल प्रोडक्शन में अचानक गिरावट आई है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के खातों की जांच CAG के जरिए कराई जानी चाहिए। यही नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों को लेकर भी रिलायंस और पेट्रोलियम मंत्रालय में कई बार ठनी। रिलायंस पेट्रोलियम पर यह भी आरोप लगे कि उसने ऑयल एक्सप्लोरेशन के खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर रिलायंस पर लग रहे आरोपों की हकीकत क्या है? केजी बेसिन के उत्पादन में अचानक कमी क्यों आई? रिलायंस CAG के ऑडिट के लिए क्यों तैयार नहीं थी? इन सवालों के जवाब अगले आधे घंटे लगातार हमारी खास पेशकश बिजनेस एक्सप्रेस में प्रदीप नाम्बियार के साथ। बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, मैं प्रदीप नाम्बियार। चर्चा करते हैं बिजनेस जगत के खबरों के बारे में। आज बात करेंगे रिलायंस KG-D6 ऑयल गैस फील्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। और हमारे साथ है कमल कांत जसवाल जी, जो डायरेक्टर है कॉमन कॉज NGO, हु हैज टेकन अप दिस एज एन इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में रिट पिटिशन फाइल किया। कमल कांत साहब आपका स्वागत है। सर, एक बहुत चर्चा का विषय है आज कॉमन हाउस होल्ड से लेकर सब जगह गैस के लिए, बिकॉज आप देखोगे कि घर में 1000 रुपए अगर सिलेंडर, गैस सिलेंडर LPG को देना पड़ता है, तो विषय की KG-D6 है, इतना बड़ा हमारा बेसन है, सरकार का रवैया क्या है, एंड द लार्जेस्ट कंपनी जो प्राइवेट कंपनी इसमें ऑपरेट कर रहा उसका रवैया क्या है, इस चीज के बारे में आपने एक रिट पिटिशन फाइल किया है, स्टेटस तो है ही, मैं पूछता रहूंगा। बट जो पहले चार्ज आपने लगाए सर, होर्डिंग ऑफ गैस, ये कहां तक सच है? बिकॉज रिलायंस का कहना दिस नो होर्डिंग एट ऑल, आप कहते हैं कि होर्डिंग है, तो होर्डिंग कैसा हुआ सर? होर्डिंग तो इन्फ्रेंस है, क्योंकि एक प्रोडक्शन प्लान, अप्रूव प्रोडक्शन प्लान दिया गया था, तो उस प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक गैस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। शुरू के 2 सालों में प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक हुआ, बल्कि जो सेकंड ईयर ऑफ प्रोडक्शन था उसमें जो एस्टिमेट थे उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगा। और अब जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंस्टॉल की गई हैं, जिसके लिए कॉस्ट रिकवरी के बेसिस पे काम हो रहा है, वो 80 MMSCMD के लिए है, और प्रोडक्शन घट के 13-14 रह गया है। तो वो गैस तो अभी है ना, ये अभी एक एक्सपर्ट ने पूरे इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने उनको इंगेज किया था, और उन्होंने कहा है कि जो गैस के रिजर्व्स वहां पर इस्टेब्लिश्ड हैं वो हैं, दे आर
अवेलेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, वो उपलब्ध है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने जितने वेल्स ड्रिल करने चाहिए थे वो नहीं किए, उनको कनेक्ट नहीं किया, और जो एस्टैब्लिश्ड वेल्स हैं जिनमें प्रोडक्टिविटी एस्टैब्लिश हो चुकी है उनको भी कमीशन नहीं कर रहे हैं। तो इससे फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि वो जानबूझकर गैस के भंडार के ऊपर बैठे हुए हैं, उसी को होल्डिंग कहते हैं। सर, रिलायंस का जहां तक है संबंध, वो कहते हैं कि देयर इज नो होल्डिंग, जहां गैस वेल्स ऑयल वेल्स है या गैस वेल्स है, ऑयल को निकलना ही चाहिए, नहीं तो पाइप जैसा होता वो बस्ट हो जाता है। तो आप कहते हैं कि एनजीओ का स्टडी उस प्रकार से नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए, सेस्मिक स्टडी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैं आपको कहता हूं रिलायंस का चार्ज, बिकॉज दे हमने पूछा था कि कॉमन कॉज स्टेकिंग और ये पब्लिक इंटरेस्ट, बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट जनरेट पूरे देश में। तो इस विषय में उनका कहना है कि देयर इज नो होल्डिंग, 18 वेल है उसमें से 9 ऑपरेशनल है और 9 में से जो है ऑयल के साथ पानी भी आ रहा है सर, और ऑयल के साथ पानी आ रहा है और ड्रास्टिक फॉल। बोले कि स्टडी पूरे जगत के एकदम टॉप लेवल के लोगों ने किए थे, हमने भी किया था, सरकार ने भी किया था, बट जो गैस अगर नहीं निकल रहा हो, अगर गैस के साथ पानी निकलता हो और जो 80 यूनिट्स जो प्रिस्क्राइब किए थे 80 यूनिट्स उनका 11 12 13 पर अगर आता हो तो इट इज फॉर एवरीबडी टू सी, सब लोग देख रहे हैं। तो आप हमको कैसे कह सकते कि हम होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं उसको? नहीं, अव्वल तो जो उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोडक्शन में, उसमें भी गोपाल कृष्णन की रिपोर्ट में ये है कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लेवल पर जिसके कारण ऐसा हुआ है, यानी समथिंग विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द मैनर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो उसके लिए अगर किसी के ऊपर दायित्व तो आएगा तो उन्हीं के ऊपर आएगा। पर जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो जिस पे गौर किया जाना चाहिए, वो ये है कि उनके प्लान के अनुसार 50 वेल्स उनको ड्रिल करने चाहिए थे, 18 ही किए। तो ये तो इसमें गैस कोई इस तरह का थोड़ी होता है कि एक किसी कंटेनर में आपने दबा के रखा हुआ है, ये पूरे रिजर्वॉयर में है, आपने उसकी सैस्मिक स्टडीज करके बल्कि खुद ही जो जितना लेवल था उसको लेवल को रेज किया आपने, आपने कहा कि इसे हम 80 तक ले जाएंगे, इसके लिए हमें और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का अप्रूवल लिया गया, वो वहां पर मौजूद है, और आपने एक प्रोडक्शन प्लान बनाया था जिसके मुताबिक आपको 80 वेल्स ड्रिल करने थे, वो नहीं किए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि होर्डिंग है, ये थोड़े से कह रहे हैं कि आप उसे डिब्बे में बंद करके बैठे हुए हैं जो फट जाएगा अगर आप उसमें से गैस नहीं निकालेंगे। तो ये तो रिजर्वॉयर में है, गैस अवेलेबल है, उस पर आप बैठे हुए हैं। तो उनका कहना कि इट इज नॉट पॉसिबल, एक बार वेल बनता है, गैस जो वेल ड्रिल करते हैं उसके बाद गैस जो कंटिन्यूटी है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये चार्ज जो है सही बैठता नहीं है, और अगर सचमुच लगता है सरकार को और एनजीओ को सचमुच लगता है कि गैस होल्ड कर रहा है तो ओनली से करा दे, उनका कहना है, आई मीन वी ट्राइंग टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रूथ, हमारा काम है कि अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचाना, बिकॉज आप इस चीज में बहुत बाहर और आपके एनजीओ के माध्यम से बहुत बड़े देश के जो इतने बड़े घपले सब आपके एनजीओ के माध्यम से निकाला, तो जितने स्टडी आपका हो शायद उतना है। तो व्हाट इज द ट्रूथ, उनका कहना है, रिलायंस का कहना है अगर गैस है, सरकार के पास एनफोर्समेंट एजेंसी है, हर प्रकार के इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स है, इन्वेस्टिगेट करो, ओएनजीसी को दे दो, ओएनजीसी कर लेते हैं, हम तैयार है, रिलिंक्विश करने को तैयार है अपना फील्ड। ऐसा तो उन्होंने अपने काउंटर एफिडेविट में तो कोई ऑफर किया नहीं है, काउंटर एफिडेविट में तो उन्होंने इसको पू किया है कि नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि इसे हम ओएनजीसी को देने के लिए तैयार है। तो आपका कहना है कि ये फिजूल की बातें हैं, दे आर नॉट रियली, दे आर ट्राइंग टू एवेड, ये पूरे चीज को एवेड, टेक्निकल इशू है, मैं मानता हूं कॉमन कॉज कोई इस टेक्निकल फील्ड में नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि मिनिस्ट्री के ही अपने स्टेटमेंट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज की रिपोर्ट्स में आया है, उसी और जो CNAG ने किया है, उनके पास सब एक्सपर्टीज अवेलेबल है, और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको कंटेस्ट करने का मौका मिला है बराबर रिलायंस को, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स फाइनलाइज हुई हैं, उसके आधार पर हमने अपनी याचिका दायर की है कोर्ट में। तो सर आपका चार्ज जो है होल्डिंग का,
यू बिलीव यू स्टैंड बाय इट। आप समझते हो कि होल्डिंग जरूर हो रहा है और होल्डिंग की वजह से पूरे देश में जो गैस का सप्लाई है वो कम हो गया है और होल्डिंग की वजह से रिलायंस और पूरे ग्रुप यही चाहता है कि गैस के दाम बढ़ाए और उनको प्रॉफिट हो। खास करके केजी बेसिन की सप्लाई के ऊपर उसके आधार पर जिन लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, पावर प्लांट्स में, फर्टिलाइजर प्लांट्स में, उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल एकदम चौपट हो गई उसके कारण। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी इससे इवेंचुअली इसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो कमिटमेंट्स जो उनके अंडरटेकिंग्स थे, जो कमिटमेंट्स थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज थे, उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं। एक वेल ड्रिल करने में करीबन 600 से 800 करोड़ का खर्चा होता है और हम उस खर्चे को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमारा जो कॉस्ट है, हम पहले कॉस्ट डाल रहे हैं, इसका कुछ ये गारंटी भी नहीं है गैस होगा नहीं होगा, ये फाइंडिंग्स के ऊपर है। आज फाइंडिंग्स है कि गैस है, कल ये भी हो सकता है कि गैस वहां पर नहीं हो। और 600 से 800 करोड़ का हमारा खर्चा एक वेल जो ड्रिल करने में, तो कह रहे हैं कि गोल्ड प्लेटिंग का चार्ज जो है आपका टोटली एक बेसलेस चार्ज है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, इसमें जो इनका प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इस तरह का एक बिल्ट इन इंसेंटिव है कि अगर कॉस्ट बढ़ती है तो उससे कॉन्ट्रैक्टर को बहुत फायदा होता है। इसको एक परवर्स इंसेंटिव कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, कि इसमें इसी तरह से है कि अगर कॉस्ट कम होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जो है रेवेन्यू स्ट्रीम में वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो चूंकि ये पहले कॉस्ट रिकवरी होती है, एक कॉस्ट पेट्रोलियम होता है, एक प्रॉफिट पेट्रोलियम होता है, तो कॉस्ट प्रोडक्शन पहले कम से कम 90% यानी 90 और 10 के अनुपात में ये पहले कॉस्ट में जाता है, तो जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतना उनको लाभ होगा। अब उसमें क्यों कहा जा रहा है कि गोल्ड प्लेटिंग की है, इस तरह से अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाकर दिखा रहे हैं। सीएलएजी ने इसकी बहुत विस्तार से जांच की है, जितनी उन्हें एक्सेस दी गई उसके आधार पर, क्योंकि एक ये भी चार्ज है रिलायंस के ऊपर कि उन्होंने सीएलएजी के साथ कोऑपरेट नहीं किया है और उनके ऑडिट में तरह तरह की बाधाएं डाली हैं। तो बहरहाल जितनी उन्हें एक्सेस मिली उसके आधार पर उन्होंने कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं। एक एकर ग्रुप है, अब उस एकर ग्रुप से साथ क्या इनका संबंध है ये नहीं पता, लेकिन एकर ग्रुप को तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, बहुत से सिंगल बिट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और लोगों को डिस्क्वालीफाई करके उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, ऐसे काम के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जिसका उनको अनुभव नहीं था। तो इसी तरह के और भी उदाहरण सीएनएजी ने प्रस्तुत किए हैं जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है कि उन्होंने गोल्ड प्लेटिंग की है। तो उनका क्लियर कर कहना कि एक वेल जो उन्होंने कहा कि ये कॉस्ट अप्रोक्सीमेट होगा 600 से 800 करोड़ है, तो जितने वेल्स उनको ड्रिल करना है गैस के लिए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इट इज डेफिनेटली बड़े बड़े आवाज पूरे देश से आवाज निकला था कि देर इज डेफिनेटली एन इंक्रीज इन द गोल्ड प्लेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, तो यू डोंट बिलीव जो पर ड्रिल करने का जो कॉस्ट उनके एस्टिमेट्स जो है इट डजंट कम इट डजंट मैच विद द कॉस्ट, को इस तरह से फिक्स नहीं होती है कि इसमें इतना लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि किस कंडीशन में कहां पर ड्रिल कर रहे हैं, क्या क्या किस तरह के फिजिकल पैरामीटर्स एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ऐसे कोई अप्रियोरी आप नहीं कह सकते पहले से कि इतनी इसमें लागत आती है। गोल्ड प्लेटिंग का इससे मतलब नहीं है, गोल्ड प्लेटिंग का मतलब यह है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है वो बढ़ाकर दिखाया जा रहा है, और उसके जैसे कि मैंने अभी बताया सीएलएजी ने कई उसके उदाहरण दिए हैं। तो सर लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट, आपने कहा कि रिलिंक्विशमेंट ऑफ एरिया, जितने एरिया रिलायंस को दिया था केजी बेसिन वो बहुत अधिक है, डिस्कवरी एरिया अलग है, तो उनका कहना था कि 86% वापस देना पड़ेगा रिलायंस को, और टाइम फेज में नहीं हुआ, तीन फेज में था, तीन फेज में कुछ भी नहीं हुआ,
एंड इफ यू गो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट देन दे हैव टू गिव बैक 86% ऑफ द एरिया. इसमें कितना सच्चाई और सच्चाई क्या है इसके बारे में सर? 86% कैलकुलेट किया गया है क्योंकि जो उन्होंने जिस एरिया को डेवलप किया है उसे वो रिटेन करेंगे, उसके अलावा बाकी जितना है वो 86 है. और अब तो फाइनली उनको नोटिस भी दिया गया है, 81% का तो नोटिस भी दिया जा चुका है. अक्टूबर के महीने में उनको ये नोटिस दिया गया है हमारे, और वो नोटिस दिया गया है हमारे केस के फाइल होने के बाद. तो इसमें कोई मेरे ख्याल में ज्यादा कंटेस्ट करने की संभावना इसमें है नहीं. तो आपको लगता है कि पूरे लेकिन जिस तरह से रिलिंक्विश किया जाना चाहिए था, हर एक फेज में ऐसा था इसमें कि फर्स्ट फेज जो कि एक्सप्लोरेशन का फेज है उसके पूरा होने पर 25% देंगे, फिर सेकंड उसके डेवलपमेंट का फेज था उसमें दूसरा 25% और उसका रिलिंक्विश किया जाएगा. फिर उसके बाद ये था कि जब फाइनली डेवलप हो जाएगा प्रोडक्शन आपका जिस एरिया में हो रहा है उसको छोड़कर बाकी कर देंगे. पर ये ऐसा नहीं किया गया, ये फेज प्रोग्राम के मुताबिक रिलिंक्विशमेंट नहीं हुआ है. और उसमें उस समय उन्होंने तब तो ये क्लेम किया था रिलायंस ने कि सारा ही डिस्कवरी एरिया हमारा हो रहा है, और अब कह रहे हैं कि हमारा तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, हमारा तो वहां पर प्रोड्यूस करने के लिए कुछ है ही नहीं. तो आप देखिए ना कि इसमें कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब रिलिंक्विश करना था तब तो कह दिया कि सारा प्रोडक्शन एरिया है, और अब जब और जब प्रोडक्शन दिखाने की बात है तो कह दिया कि वहां पे तो प्रोड्यूस करने के लिए कुछ है ही नहीं. तो सर ये पूरे डिस्कवरी एरिया जो है उस पर थोड़ा लाइट डालेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिस्कवरी एरिया, और कितने, जैसे कहा गया कि अराउंड 7,645 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया था और उसमें से कहा कि 6,600 स्क्वायर किलोमीटर वापस चाहिए. तो ये डिस्कवरी एरिया कंसेप्ट आपने कहा डिस्कवरी एरिया वो है उसका जिस क्षेत्र में उनके प्रोडक्शन वेल्स हैं. तो इनका जो कंसेशन का एरिया था, जो पूरा एरिया इनको दिया गया था, उसके एक हिस्से में ही इन्होंने ड्रिलिंग की है, वहीं पर वहीं से इनका प्रोडक्शन हो रहा है. तो बाकी एरिया जो है वो रिलिंक्विश करना था एक फेज प्रोग्राम के मुताबिक, जो कि नहीं किया गया. और अगर ये समय से गवर्नमेंट ने इनसे वापस ले लिया होता तो उस एरिया को फिर किसी और को ऑफर किया जा सकता था, उसे इट कुड हैव बीन पुट टू ऑक्शन. तो वो नहीं हुआ, एक प्रोडक्शन एक इसमें क्या पता दूसरा कॉन्ट्रैक्टर इसमें उसमें कुछ प्रोड्यूस करके दिखाता. तो एक ये पोटेंशियल प्रोडक्शन था जिसका कि इस नॉन रिलिंक्विशमेंट के कारण नुकसान हुआ है. आपको लगता है कि आज रिलायंस ने अगर रिलिंक्विश किया और जैसे आपने कहा कि दूसरा कॉन्ट्रैक्टर तैयार है, कोई दूसरा इमीडिएटली इसको टेक ओवर कर पाएगा सर? इमिजिएटली कर पाएगा, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एनईएलपी की उसके मुताबिक उसको फिर से ऑप्शन करेंगे तब. डोंट यू थिंक इसमें और जो स्कैर्सिटी पूरे देश में जिस प्रकार से स्कैर्सिटी है, गैस इज रियल स्कैर्सिटी, फर्टिलाइजर पावर प्लांट्स सब सफर हो रहा है, एवरीथिंग इज सफरिंग, आई मीन देर इज सफरिंग एवरीबडी, इनफैक्ट द इकोनॉमी इटसेल्फ हैज कोलैप्स्ड. आज 5% के कम से कम है ग्रोथ, और उसके ऊपर ऐसे एक डिसीजन ऐसा आ गया कि रिलायंस को वापस देना पड़ा और नया कॉन्ट्रैक्ट, जो टाइम फ्रेम है, यू डोंट थिंक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी लॉस होता है इकोनॉमी के हिसाब से? हाँ, ये डिले तो हो गया ना, ये 2006 से इसका रिलिंक्विशमेंट होना चाहिए था, 2006-2007 में 25% वो एरिया ऑफर किया जाना चाहिए था, जिसको कि ऑप्शन किया जा सकता था, जिसको एक्सप्लोरेशन के लिए दिया जा सकता था और फर्दर. बट यू थिंक देयर आर अदर कॉन्ट्रैक्टर्स जो तुरंत ये काम ले सकते हैं, देयर विल बी लेस लॉस टू द एंटायर नेशन, वेयर आपको लगता है ऐसे दे आर पीपल हु आर गोइंग टू टेक ओवर? या सर, अब देखिए इसका और लोग इंटरेस्टेड है, इसका सबसे बड़ा एक प्रमाण ये दिया जा सकता है कि 4.2 के जो प्रिवेलिंग प्राइस है, जब इतना प्राइस था, अब तो उसके लिए केस बनाया जा रहा है कि 8.4 होना चाहिए, दुगना कर दिया जाना चाहिए, पहली अप्रैल से वो लागू हो जाएगा अगर रंगाराजन कमेटी के निर्णय को सरकार यथावत लागू कर देती है तो. लेकिन 4.2 पर भी 30% स्टे इस डिक्लाइनिंग फील्ड में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने $7.2 बिलियन देकर रिलायंस लिया है, 30% स्टे केवल इसका. तो आखिर उन्होंने कुछ कीमत तो आकी होगी ना,
कि जो उसके प्रोडक्शन होने वाला है, जो हो सकता है उस प्रोडक्शन से इतना कुछ लाभ मिलेगा उनको, तभी तो इतना कर रहे हैं। तो 4.2 भी इतना रेम्यूनरेटिव है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम वहां से आके यहां पर खरीद रहा है 30% स्टेक। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत नुकसान का सौदा है रिलायंस के लिए 4.2 पर, अब तो 8.4 की बात हो रही है। कहना है कि कोई भी मल्टीनेशनल, जैसे आपने कहा कि ब्रिटिश पेट्रोलियम यहां पर इन्वेस्टमेंट किया, कोई नुकसान के धंधे में इन्वेस्ट नहीं करेगा? नुकसान के धंधे में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, नुकसान के धंधे में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए आपका कहना है कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग पोटेंशियल, देयर इज अ पोटेंशियल देयर, एंड दैट पोटेंशियल इफ रिलायंस इज नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट देन अदर्स शुड बी अलाउड अ चांस टू एक्सप्लॉइट इट एंड दैट विल बी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो आपका कहना है कि रिलायंस is not portraying the real truth, जो ultimate truth है वो शायद Reliance सामने लोगों के सामने नहीं लाया, there's been fudging of accounts। निष्कर्ष तो यही निकलता है कि जो सही बात है वो लोगों के सामने नहीं लाई जा रही है, और अदालत में अब मामला है, वहां पर होना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी। सर और एक चार्ज जो उनपे लगाया आप लोगों ने, मीन्स आपके एनजीओ के माध्यम से, कि मैलाफाइडे डबलिंग ऑफ प्राइजेस, जो प्राइजेस है आपका कहना है कि एक गलत तरीके से डबल किया गया है, और प्रॉब्ली सरकार भी थोड़े आपको लगता है जिम्मेदार है? जी हाँ, हमारा ये भी कहना है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इससे सहमत नहीं थी। जो रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट है उसकी मेथोडोलॉजी को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी सवाल उठाए हैं, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो ये तो पिछला ये इतिहास बताता है कि सरकारी निर्णय किसी न किसी तरह से हमेशा रिलायंस के पक्ष में ही होते आए हैं। तो हमारा यही कहना है कि ये भी उसी श्रृंखला में एक और निर्णय है कि जिसकी सदाश्यता पर संदेह होता है। तो सर उनको बोलते, उनका कहना है कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं उनको कोई जो मार्केटिंग फ्रीडम है और प्राइसिंग फ्रीडम है, सरकार तय करता है गैस किसको देना है, सरकार कौन सा पावर प्लांट में देंगे, कौन सा प्राइस पे देंगे, कहां पर सप्लाई करेंगे। कहते कि हमारा प्लांट को हम नहीं ले सकते, हम जहां बेचना चाह वहां बेच नहीं पाते, सरकार को रॉयल्टी भी मिल रहा है, सरकार को प्रॉफिट शेयरिंग का भी एग्रीमेंट है। तो हर प्रकार से ये दिस इज टोटली अगेंस्ट अस द एंटायर थिंग, एंड देर इज नो फ्रीडम। एंड उसके ऊपर जिस प्रकार से कोर्ट में एनजीओ चला गया है, और दिस इज टोटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट, मतलब कि प्राइसिंग फ्रीडम नहीं है, मार्केटिंग फ्रीडम नहीं है, तय करने का फ्रीडम नहीं है, अंडर प्रोडक्शन है, एंड स्टिल वी आर इन द रिसीविंग एंड। उनका कहना है कि वी आर स्टिल इन द रिसीविंग एंड, देर हैज टू बी समथिंग। अगर आप देश के बाहर से जो गैस ले रहे हैं, अगर 15-16 दे रहे हैं, यहां पर आप कहते हैं 4.2 और 8.4 उसका भी विरोध हो रहा है, तो कहां पर मैच करेंगे सर? एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वायलेट कर रहे हैं। हमारा तो इश्यू सिर्फ यही है, वो उसमें जो डिविएशन हुआ है वो डिविएशन बोनाफाइडी है या मैनाफाइडी है, ये तय करने की बात है। अब जो एडमिनिस्ट्रेट प्राइस रेजीम है और या जो एनईएलपी का रेजीम है, ये कितना रैशनल है कितना इरेशनल है, इस पर तो हम जजमेंट नहीं देने जा रहे, ये हमारा काम भी नहीं है। हमारा जो प्रयास है वो ये है कि जो एनईएलपी की के मुताबिक जिस तरह से इस प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट को, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेट किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया है, और उसका लाभ रिलायंस को मिला है। वो लाभ एक अवांछित लाभ है, और हमने न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से ये अनुरोध किया है कि इसको सही किया जाए, और हमने जो रिलीफ मांगी है वो रिलीफ ग्रांट की जाए। आपको लगता है वो कैग है, कैग एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन भी पूरे प्रोसीजर में हुआ था हर प्रकार से पहलू में, तो आप इस दोनों जैसे इवेल्यूएट करते हैं, वह कैग हैज रियली फाउंड थिंग्स इंक्रिमिनेटिंग, और सीबीआई का रवैया कैसा आप महसूस करते हो? बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी केसेस बीइंग रजिस्टर्ड और प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज, तो व्हाट इज द स्टेटस वह सीबीआई और कैग के? कैग के तो ठीक है, पूरे देश को जानते हैं, आपने भी एक्सप्लेन किया है, सीएजी की रिपोर्ट तो आ चुकी है,
और सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है उसको उसके आधार पर ही हमने अपना ये पीआईएल बनाया है। अभी इस मसले को पार्लियामेंट्री कमेटीज ने भी देखा हुआ है, उनकी भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि इसमें क्रिमिनलिटी का भी एलिमेंट है और सीबीआई ने इसमें कुछ पहल भी की थी, और जो पिछले पहले डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स के मिस्टर सिबल, उनके खिलाफ उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी रजिस्टर की थी, तो वो मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इस तरह के इंडिकेशंस मिले हैं कि सीबीआई इस मामले में फिर से पहल करना चाहता है, ये एक अच्छी बात है। और अगर अब सीबीआई को थोड़ी सी स्वायत्तता भी मिल रही है, ऑटोनॉमी भी मिल रही है, तो उस ऑटोनॉमी का फायदा उठाएं और जो इसमें क्रिमिनलिटी के का डायमेंशन है उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करें। कमलकांत जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम, आपने वैल्यूबल समय हमको दिया। रिलायंस जैसे एक क्रूशियल इशू, पूरे देश उसको बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, उस पर आपने बहुत सारे अपने व्यूज राय देखे, एक्सपर्ट राइज दिए व्यूज व्हाट इज रियली हैपनिंग, एंड गैस इज रियल, गैस एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है पूरे देश में, फर्टिलाइजर प्लांट हो, घर पे हो या पावर प्लांट्स हो। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। बिजनेस एक्सप्रेस में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई बिजनेस लीडर के साथ या कोई बिजनेस रिलेटेड इश्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए।